हेलो गाइस, मैं अर्जुन, मेरे चैनल एके गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस बरसात के मौसम में हम सिंगोनियम के प्लांट में किस प्रकार से उसके कलर को अच्छे से पा सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो चले चलते हैं। सबसे पहले आप एक बात नोटिस करे होंगे कि इस प्लांट को इंडोर रखने से इनके जो पिंकिश कलर है वो इतने अच्छे उभर कर नहीं आते। तो आप इसे इंडोर ना रखें, बाहर रखें, कोई भी मौसम हो, और बरसात का मौसम है तो ख़ास तौर पर आप इसे बाहर ही रखें, क्योंकि इस प्लांट में जितने अच्छे बारिश की पानी आती है वह इतना अच्छा ही निखर कर कलर देता है दोस्तों, सिंगोनियम का प्लांट। तो इसे आप इंडोर ना रखें, बाहर रखें, देख सकते हैं पिंक कलर कितना सुंदर लग रहा है। पिंक कलर पूरे रेशिये के साथ पूरे वाइट जो ग्रीन सा होता है इस प्लांट में, आप एक चीज़ नोटिस कर लें, पिंकेस का ये जो सिंगोनियम प्लांट है वो इतना ग्रीन नहीं, सॉरी, इतना पिंक नहीं लगता है अब अगर इंडोर रखे तो। आप इसे बाहर रखिए, प्लांट को बारिश का मजा लेने दीजिए और आप प्लांट का मजा लीजिए। देख सकते हैं ये ग्रीन वाला सिंगोनियम है, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। पुराने पत्ते हैं वो बिल्कुल वाइट हो गए हैं, हार्डी हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, बड़े बड़े पत्ते आएंगे दोस्तों। बरसात में रखिए, बाहर रखिए, जो नए पत्ते हैं वो ग्रीन सा है। आप एक चीज़ और भी नोटिस करोगे कि पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं बरसात के दिनों में सिंगोनियम के प्लांट का, तो बारिश में रखें, खुले आसमान में रखें। और आप सॉइल मिक्स की बात करें तो सॉइल मिक्स उतना एकदम सा हार्डी नहीं होना, चिपचिपी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें पानी जमने लग जाएगा बरसात का पानी, तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस हैं। देख सकते हैं ऐसी मिट्टी का यूज़ करें जिसमें वाटरिंग रुके ना। इसमें भी देख सकते हैं सॉइल मिक्स, इसमें भी बारिश हो रहा है फिर भी रुका नहीं, भी बारिश हो रहा है दोस्तों, हल्का हल्का भी 2-3 दिन से बारिश चल रहा है हमारे तरफ। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने प्लांट को बाहर ज़रूर रखना ताकि वह भी ऐसा हरा भरा रहे। तो हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।